अपनी वैक्सीन लगवा के। वेलकम नाज़रीन, वेलकम टू सर्विस लॉन्च। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां नसीब करे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो मिल्क शेक, गर्मियों की सौगात। तो इसी तरह गर्मियों में ज़रा मिल्क शेक्स वगैरह बना के पीते रहें तो फ्रेशनेस रहती है और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो आज मैंने मिल्क शेक बनाया था, इसके बाद मैंने स्टेक बनाई थी और मेरी स्टेक के साथ क्या हुआ वो तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। जब तक आप लोग एंजॉय करें मैंगो मिल्क शेक। जी तो यहाँ मैंने तैयारी शुरू कर दी थी चिकन स्टेक के लिए। ये मैंने वेजिटेबल्स काट के रखी थी, इनको मैं हल्का सा बॉईल करूँगी और फिर फ्राई करूँगी। और यहाँ पे ये चिकन है, जो मेरे स्टेक के साथ प्रॉब्लम हुई थी वो इस चिकन में हुई थी। वैसे तो चिकन सही थी लेकिन जैसे कि आपको पता है चेस्ट पीस पूरे होल चेस्ट पीस में स्टेक बनती है। मैंने ऑर्डर की बोनलेस चेस्ट पीस वाली चिकन लेकिन आ गई इस तरह पीसेस में, तो फिर मुझे पीसेस में ही बनानी पड़ी। और ये सुनिए मज़ेदार सी सिज़लिंग साउंड चिकन स्टेक बनने की। तो यहाँ मैंने बिल्कुल हल्के से ऑयल में इसको नमक डाल के फ्राई किया, देखिए कितनी अच्छी वेजिटेबल लग रही है, कलरफुल। और ये मेरी चिकन तकरीबन रेडी थी। इसके बाद मैंने तैयारी की थी वाइट सॉस की, और मैंने वाइट सॉस बना के ड्रिज़ल किया था और थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस भी ड्रिज़ल किया था और मैरिनेशन में मिलाया था। अगर पूरी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। बस अभी मैं जा रही हूँ अपने कज़न के घर, उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो मैं और अम्मी और बच्चे वहीं जा रहे हैं। और कौन है इनका आपको लोगों को पता है, वो काम पे होते हैं तो हो सकता है मैं रात को वहाँ से पिक कर लें, तो चलते हैं। तो गाइस ये मैंने सेंटेन स्टोरीज़ के कुछ टेस्टर्स मंगवाए थे और बहुत ही ऑसम, बिल्कुल लाइक नियर टू ओरिजिनल और इतने लॉन्ग लास्टिंग है। ये जो मैंने अभी लगाया है टोबैको ऊद लगाया है, इसके अलावा मैंने गुची गिल्टी मंगवाया है, गुची फ्लोरा मंगवाया है इसका टेस्टर, और नो डाउट बेस्ट है। और इसके अलावा फ्लावर बॉम और कौन सा था, मैरी मी, ये सारे मैंने मंगवाए हैं। लाइक इन लोगों ने अपने नाम भी दिए हुए हैं लेकिन वो किसी ना किसी के इंप्रेशंस हैं किसी अच्छे परफ्यूम्स के, तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ किस दिन सारी ये इस टाइप के ये टेस्टर आते हैं इतने बड़े। और कॉनर ने 2 10 ml के बॉटल्स इसकी ऑर्डर की थी, वो काफ़ी चलती हैं और ये टेस्टर्स भी बहुत चलते हैं। जी तो मैं अपने भाई के घर आ चुकी हूँ और ये मेरे कामरान भाई हैं। मैं 2 दिन से बीमार हूँ, इस वजह से बात नहीं है। अभी कैसी तबीयत है? अब काफ़ी तक बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे आप कैसे हुई है तबीयत? कोरोना की वैक्सीन लगवा के अल्लाह बचा। कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद ये हालत हुई है कि टांग लगवा लिया गया कहीं ऐसा ना मिल। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस पैर में वो नसों में कुछ हो गया था, तो अब सही है माशाल्लाह। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर और आर्यन दानियल झूला झूल रहे हैं। जोर से चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करें। यूं करके बोलो ना, वीडियो को लाइक करें। जी
जी, तो यहाँ पर हम लोग कामरान भाई के यहाँ बैठे हुए थे, मेरे कज़न हैं, मेरी पप्पो के बेटे हैं और मेरी भाभी या बाजी, वो भी मेरी कज़न है, मेरे ताया की बेटी, आपस में शादी हुई भी है, तो इंशाल्लाह उनसे मैं किसी और दिन मिलवाऊंगी, अपने भांजे भांजी भतीजे भतीजी, क्योंकि दो डबल रिश्ते होते हैं, तो उनसे किसी और दिन मिलवाऊंगी। तो आज का व्लॉग होप आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।